हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गुड मेड सोल। दोस्तों, चिकन तंदूरी खाना किसे पसंद नहीं है। आज हम देखने वाले हैं तंदूरी के अलग अलग डिफरेंट टाइप जो काफ़ी फेमस है, जैसे कि रेड मैरिनेशन, येलो मैरिनेशन और जो ग्रीन मैरिनेशन है, उससे हम आज तंदूरी बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कैसे बनते हैं और रेसिपी कैसे आती है फ्लेवरफुल चिकन तंदूरी। यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है जिसमें मैंने बोनलेस चिकन के पीसेस लिए हैं। ब्रेस्ट चिकन का मैंने इस्तेमाल किया है। जो हमारा रेड मैरिनेशन है उसका हम इस्तेमाल करेंगे, जिसे हम तंदूरी टिक्का मसाला से भी जानते हैं। ज़्यादा मसाला यूज़ नहीं करना है, हमारे पीसेस सिंपली कोट हो जाएंगे, इतना ही हम मैरिनेशन लेंगे। सेकेंड मैरिनेशन हम येलो कलर का लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने बाउल में वापस जो हमारे बोनलेस चिकन के पीसेस है उनका इस्तेमाल किया है। मसाला मैंने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया है, सिर्फ हमारे पीसेस कोट होंगे उतना ही मसाला मैंने वापस इसमें यहाँ पे लिया है। तीसरा मैरिनेशन है दोस्तों ग्रीन मैरिनेशन, जिसे हम पहाड़ी कबाब नाम से भी जानते हैं। सेम प्रोसीजर है, पहला रेड और येलो के मसाला जो हमने लिया था उसी के हिसाब से ही ये मैरिनेशन लेना है। अब पिछले वीडियो में हमने मैरिनेशन कैसे बनाया है उसका वीडियो देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और आने वाले वीडियोस को देखने के लिए नोटिफिकेशन टैब पर क्लिक करें। थैंक यू। जैसे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे तंदूर मैंने पहले से ही सेट करके रखी है। तंदूर या फिर आप बारबेक्यू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम चिकन टिक्का मसाला लेंगे, जो कि हमारा रेड कलर मैरिनेशन है। यहाँ पे मैंने एक स्क्यूअर लिया है और जो हमारे बोनलेस पीसेस है जो मैरिनेट किए थे उन्हें मैं धीरे धीरे इन स्क्यूअर के अंदर डाल रहा हूँ। याद रखिएगा दोस्तों, जो स्क्यूअर है उसको ओवर क्राउड नहीं करना है, ज़्यादा पीसेस एक साथ नहीं लगाने, नहीं तो जो बारबेक्यू और तंदूर की जो हीट है वो अंदर के पीसेस तक नहीं पहुँचते और आपका जो तंदूरी है वो काफ़ी कच्चा रह सकता है। इसी तरह से मैंने बाकी के जो तंदूर है उनका भी मैंने स्क्यूरिंग करके रखा है। आप देख सकते हैं मैंने एक ही जो बारबेक्यू है हमारा उसके ऊपर रखे हैं। दोस्तों याद रखिएगा, आप जब तंदूरी बनाते हो तो उसे अच्छी तरह से बटर या फिर जो घी है उसका इस्तेमाल करके तंदूरी को मॉइस्ट रखना ज़रूरी है। पीसेस अगर मॉइस्ट नहीं होंगे तो वो ज़्यादा ड्राई हो जाएंगे और चुई भी हो सकते हैं। तंदूरी को बीच बीच में हम पलटी करेंगे ताकि जो अनकुक्ड साइड है तंदूरी की उसे हम कोयले के सामने एक्सपोज करेंगे और वो भी जल्दी से कुक हो जाए। आपका कोयला अगर अच्छी तरह से गर्म हो चुका हो तो तंदूरी पकने में 10 से 12 मिनट का समय लगता है। चिकन की जगह आप फिश का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप प्योर वेजिटेरियन हैं तो पनीर या फिर आलू या फिर मशरूम, इन सभी चीज़ों का आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो, वो भी काफ़ी टेस्ट में अच्छे लगते हैं। दोस्तों सिंपल सी रेसिपी है, आप भी चिकन तंदूरी जल्दी से बनाइए और हमें कमेंट सेक्शन में डाल के बताइए कि आपकी तंदूरी कैसे बनी थी। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक गुड बाय।